सोनिया गांधी की अगुवाई वाली जो मनमोहनी सरकार थी 10 साल तक, वो कितना बोझ डाला, अब कितने बोझ में है जिसकी जिसका जिक्र सोनिया गांधी कर रही है। मनीष जी, कोरोना से तबाह करने का आरोप लगाया राहुल गांधी ने, और उनकी माता जी ने कहा कि उपेक्षा के बोझ से तबाह हो गया है देश। जब ये कह रहे थे तो दोनों माँ बेटों को शर्म आनी चाहिए थी, उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए था। अपना इतिहास से मतलब अपने सरकारों का इतिहास पढ़ना चाहिए था, और अपना स्वयं का भी इतिहास पढ़ना चाहिए था। 10 साल का शासन रहा था यूपीए का। मनीष जी, कोरोना तो एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में 1.5 साल पहले कोई जानता नहीं था। नवंबर 2019 में कोई नहीं जानता था, आज से 1.5 साल पहले, इस नाम की कोई बीमारी भी है। और जब ये बीमारी अस्तित्व में आई तो उसके बाद आज भी इसके विषय में कोई ठीक से नहीं जानता है। कायदे से आज भी इसकी कोई दवा नहीं बनी है, इससे रक्षण की तो दवा बनी है। वैक्सीन तो वो बिल्कुल आपको दे रहा है कि इसको लगा बिल्कुल लीजिए तो आपको संक्रमण नहीं होगा, लेकिन अभी कल डीआरडीओ का जो ऐलान है उसको अगर आप अलग कर दीजिए तो अभी तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं मिली कि आपको कोरोना हो जाए उसके बाद वो खाने से ठीक हो जाएगा। ये दवा आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई है। ऐसी महामारी जो अचानक आंधी की तरह आई और लील गई लाखों लोगों, खाली देश में नहीं पूरी दुनिया में, उस महामारी को हथियार बना के ये नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि कोरोना कोरोना से तबाह कर दिया, कोरोना के बोझ तले देश तबाह हो गया। और तो इनको पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। मनीष जी, अपना एक बड़े महान गणितज्ञ हुए हैं, डी श्रीनिवास रामानुजन, विश्व विख्यात गणितज्ञ हैं। उनकी मृत्यु हुई थी 1920 में, आज से 101 साल पहले। 101 साल पहले। आपको मालूम उनकी मृत्यु कहां से हुई थी? उनको टीबी से मृत्यु हुई थी, उनकी तपेदिक से। तभी इलाज नहीं था टीबी का और वो टीबी से मरे थे। उसके बाद एक बड़ी दूसरी मृत्यु आपको बता रहा हूं, 1944, यानी आज से करीब 76-77 साल पहले, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की पत्नी। उनकी मृत्यु भी टीबी से हुई थी। ये इतना पुराना रोग है, इतना पुराना मर्ज है, और इससे गरीब, ये तो बड़े आदमी जिनको नाम बताया था, दवा नहीं थी, अन्यथा हमारे सब जानते कि टीबी से गरीब आदमी ही मरता है, उसको ज्यादा चीजें होती है, बीमारी जकड़ती है। तो जो बीमारी 100 साल पुरानी है, नरेंद्र मोदी से 1.5 साल पुरानी महामारी का हिसाब मांग रही है कांग्रेस, उसको जरा एक हिसाब और देना चाहिए कि जो बीमारी 100 साल पुरानी है उसके लिए 67 साल इन्होंने क्या किया। उन 67 साल में 57 साल कांग्रेस की सरकार थी। और आपको ताजुब होगा मनीष जी, 2013 में, 1920 में रामानुजन की देहांत हुआ, और 2013 में उस टीवी से हिंदुस्तान में 5.5 लाख आदमी मरा था। अपना हेल्थ रिपोर्ट ये देखने यूपीए की, 2000 मत समझिए, 80 और 13, 93 साल बाद 67 साल, ये क्या घास खोद रहे थे? नरेंद्र मोदी से तुम चाह रहे हो कि ये 1.5 साल पुरानी अनजान महामारी जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है कि उसका इलाज लाके वो जादू की छड़ी घुमा दे, और तुम 93 साल में टीवी की नहीं ढूंढ पाए। और सबसे खास निकम्मापन आपको बताऊं कि 2013 में तो 5.5 लाख है, 2007 में 3,35,000 आदमी मरा था, 2007 में 3,35,000 आदमी मरा था। और वो बजाय उस पर कंट्रोल करने के, 2007 से जब ये 6 साल बाद 2013 में आए तो 5.5 लाख आदमी मर गया था टीबी से इसी देश में। और ये मीडिया जो ढोल बजा रहा है भाड़ की तरह सोनिया राहुल के, उस पर इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा कि 2007 में जब 3,35,000 आदमी टीबी से मरा था तो तुमने क्या किया। वो आंकड़ा बढ़ के 5.5 लाख पहुंच गया, सवा मतलब समझिए 2.25 लाख की वृद्धि हुई। तो टीबी ऐसे मरीज की है, इलाज नहीं कर पाए 67 साल, और उसका क्या इलाज किया नरेंद्र मोदी ने? इसका दूसरा पहलू भी है कि 2013 में 5.5 लाख आदमी की डेथ हुई थी, और आपको ताजुब होगा कि 2019, अभी 20 के तो आंकड़े नहीं आए हैं, 2019 में 5.5 लाख के आंकड़े को घटा के नरेंद्र मोदी ने 79,000 रुपये पहुंचा दिया है। 85% की कमी की है, यानी आज 2019 में जितनी डेथ हुई है टीबी से उससे 6 गुना ज्यादा कांग्रेस शासन में 2013 में हुई थी। टीबी ऐसी मामूली बीमारी, और ये उस नरेंद्र मोदी से हिसाब मांग रहे हैं। और ये अकेले टीबी का नहीं, एक और आपको छोटी सी बीमारी बता रहा हूं, निमोनिया, बड़ा कॉमन सा वो मर्ज है, वो
2013 में मनीष जी निमोनिया से इस देश में औसतन 1,75,000 आदमी की मृत्यु होती थी, 1,75,000 आदमी की औसत था ये। 2019 का जो आया है उसमें 1,27,000, मतलब कम से कम 40% की कमी करी है इस सरकार ने। लेकिन हिसाब तो इनको, निमोनिया को नई बीमारी, अनजान बीमारी, रहस्यमय बीमारी तो नहीं थी ना। 67 साल ये क्या करते रहे, निमोनिया जब काला पानी में जो कैदी बंद होते थे उनके लिए कहा जाता था, कुछ लोग निमोनिया से मर गए, कुछ लोग डायरिया से मर गए, कुछ लोग टीबी से मर गए। तो जब काला पानी चलती थी आजादी से पहले, तब की निमोनिया और ये 2013 तक के घास छील रहे थे। और नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि 1.5 साल पुरानी एक अजनबी रहस्यमय बीमारी जिसका जिसका दुनिया आज भी तलाश रही है वो नहीं मिल रहा है। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं जो कि कितने संवेदनशील हैं। WHO की रिपोर्ट थी मनीष जी, WHO लैंसेट लंदन की, कि हिंदुस्तान में हर साल गांव में ग्रामीण औरतों में 1,95,000 औरतें सिर्फ इसलिए मर जाती क्योंकि जो ईंधन बनाती थी घर में लकड़ी जला के, कंडा जला के, उसके ईंधन से होने वाले सांस के जो प्रदूषण था उसकी वजह से हिंदुस्तान में 1,95,000 औरतें हर साल मरती थी, हर साल। और उज्ज्वला जब आई है तो आज 98% उसकी वो रीच है, अब तो 99% होगी, मैं तो थोड़ा पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ। तो वो करीब करीब 2 लाख, 1,95,000 को 2 लाख आप मानिए, वो 2 लाख मौतें नरेंद्र मोदी ने रोक दी, खत्म कर दी। और उस नरेंद्र मोदी को ये गालियां बक रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये अफरा तफरी मना रहा है उस नरेंद्र, उस ऐसे शासक के खिलाफ जो रात दिन एक कर रहा है, उसके खिलाफ अविश्वास पैदा करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। इनके पास कोई जवाब है कि 67 साल में टीवी, तपेदिक और ईंधन वाली जो बीमारी जिससे 2 लाख औरतें मर जाती थी हर साल, ये सब WHO के आंकड़े, आपके दर्शक भी उसको जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो उसका तो इलाज ये ढूंढ नहीं पाए और कोरोना के लिए ये गालियां बक रहे, लड़ने मरने पे मादा है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि ये सवाल इस देश की मीडिया को पूछना चाहिए था इन लोगों से। तो वो अभी मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या किया है। लेकिन पहले जिन्होंने सवाल पूछा उनको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, बताइए आप।